हाय दोस्त, आप सभी के एक नए वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सहारा इंडिया के बारे में। जैसे मैं आज हम कुछ बताना चाहते हैं कि 45 साल से सहारा इंडिया परिवार ने सभी लोग को पैसा जमा किया और अभी फिलहाल में सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या रहा है, पूरे पूरे लोग जान रहे हैं कि सुपुत्र राय को डेट सुपुत्र राय जो यहाँ का जो अपने ब्रांच का जो मालिक थे वो डेट कर गए हैं। तो दोस्त, हम यही बात करना चाहते हैं कि अगर सुपुत्रा राय अगर डेट कर गए तो उनकी कंपनी तो नहीं मरी हुई है। तो हम बात करना चाहते हैं कि हमारे जितने भी पूरे भारत में लोग हैं, सभी लोगों को तो पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ है। तो अपने सरकार से हम ये कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अपने झारखंड सरकार से या अपने बिहार सरकार से या अपने भारत के प्रधानमंत्री को मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी हमारे गरीब लोग जो पैसा जमा करके रखे हुए हैं सहारा इंडिया परिवार में, उन लोग को पैसा कम से कम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कोई ऐसा है कि अपना मजदूरी करके और कोई ऐसा है कि अपना दुकानदारी करके, कोई ऐसा है कि अपना बिजनेस करते हुए, माने हर एक प्रकार से लोग जो हैं जो कुछ कुछ कर कर के जमा पैसा किए हैं, तो सभी को असरा रहता है कि नहीं, हमने इस बैंक में पैसा जमा किया है तो हमारा पैसा सेफ है, हमको मिलेगा। तो सरकार को कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्योंकि ये सहारा इंडिया जो परिवार है, ये 45 साल से पैसा, मैंने 45 साल से कुछ कुछ लोगों को जो विश्वास जमा करके रखा और आज इस कंपनी ने बंद कर दिया। तो कंपनी बंद तो नहीं हुआ है ताकि हमारे इसका जो कुछ कुछ मामला जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो इसका देखिए, इसका हाला जो है, इसका मुद्दा जो है आम पब्लिक नहीं उठा सकती है। जब भी उठाएगी तो कोई सरकार उठाएगी और बड़े बड़े जो हमारे पूंजीपतियों हैं जिनके पास मैंने क्षमता है कि हम सहारा इंडिया परिवार से बात कर सकते हैं, उन्हीं लोग ऐसा मैंने उठा सकते हैं आवाज़, क्योंकि हम लोग तो उठा नहीं सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अपने भारत को प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूँ कि इसका कोई भी सूचना कहीं से भी नहीं मिल रहा है। सुपुत्रा राय भी डेट कर गए और अभी तक ले चुनाव का माहौल है, शायद 2024 में हमारे प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, जो लोकसभा का ये चुनाव है। इस चुनाव में हमको लगता है कि बहुत सारे जो हमारे जो क्षेत्र के जो लोग हैं और कुछ कुछ हमारे पूरे भारत के जो लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, यूपी के लोग हैं, सो उन लोग का जो दिमाग जो है किसी तरीका से इसी पर जा ही रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ जो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, हम लोग को पैसा वैसा जो है पूरे सहारा इंडिया में फंसवा दिए हैं, अभी तक नहीं मिला, इसका कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। तो इसका कहीं से ना कहीं से थोड़ा सा आवाज़ उठना चाहिए ताकि जो भी हमारे सहारा परिवार में जो पैसा फंसा हुआ है गरीब लोग को, वो कम से कम मिल जाए। तो अपने प्रधानमंत्री से ही कहना चाहते हैं कि इसका कम से कम थोड़ा सा आपके तक अगर ये वीडियो पहुंचता है तो कम से कम इसके बारे में कुछ आप सोचिए ताकि यहाँ का जो भी हमारे लोग हैं पूरे गरीब परिवार से बिलम करते हैं, अपना पेट वगैरह काट काट के तो पैसा जमा किए हैं। तो इतना ही करके मैं वीडियो को समाप्त करना चाहते हैं और जो भी लोग हमारे वीडियो को देखेंगे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो हमारे कम से कम प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाए। और मैं इतना ही करके वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।